महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा। मैं हूँ तांत्रिक चंदन शास्त्री। आप सभी को मेरे तंत्र मंत्र टोने टोटके चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि कबूतर से जुड़ी हुई बहुत सारे शकुन और अशकुन के विषय पर। कबूतर को लोग क्यों घर में पालते हैं, कबूतर का अचानक घर में आ जाना, कबूतर का घर में घोंसला बनाना, ये क्या है? आखिर कबूतर जो है वो शुभ है या अशुभ है, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे वीडियो में नए आए होंगे, मेरे चैनल में नए आए होंगे, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जरूर दबा दे, बगल में बेल घंटी को भी जरूर प्रेस कर दे, ताकि मैं आपके बीच में आपकी हर प्रकार की समस्याओं का समाधान लेकर के आ सकूं। कबूतर जो है वो माता लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में माना गया है। हिंदू धर्म में कबूतर को बहुत ही शुभ माना गया है, इसीलिए कबूतर का घर में आना अति शुभ लक्षण माना गया है। कबूतर का घर में पालना भी बहुत अशुभ है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है, घर में धन दौलत ऐश्वर्य के वृद्धि होती है, मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। लेकिन घर में कबूतर का अचानक मर जाना, अगर मान लीजिए आपके घर में बहुत संख्या में कबूतर है और अचानक कबूतर का मर जाना, तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी की जो घर में कृपा उठने लग गई है, माता लक्ष्मी की कृपा समाप्त होने वाली है, आपके घर में धन की बर्बादी होने वाला है, इसीलिए कबूतर का अचानक मरना अशुभ माना गया है। लेकिन अगर आपको कबूतर को सुबह सुबह अगर आप दाना देते हैं, या आप का घर में कबूतर का गेहूं का या चने का या आप चावल का अगर आप दाना देते हैं, तो कबूतर के लिए आपके लिए अति शुभ लक्षण माना जाता है, क्योंकि कबूतर को दाना देने से घर में नकारात्मक प्रभाव, नकारात्मक जो दृष्टि, कुदृष्टि, नजर टोक वगैरह से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर आप बीमार हमेशा रहते हैं, अगर आप हमेशा कुछ ना कुछ कारण से शारीरिक पीड़ा आपको मिलती है, तो आप एक काम कीजिएगा, 5 प्रकार की मसाला, जैसे मान ले धनिया, जीरा, गोलकी, लाल मिर्च पाउडर, ये सारे चीज़ को मिला करके मसाला बना लीजिएगा, और उस मसाले को आप किसी भी चावल में आप उसको मिला दीजिएगा, जो टुकड़ा चावल हो चाहे गोटा चावल हो, कोई भी चावल होना चाहिए, उस चावल में मिक्स करके आप रख दीजिएगा, और प्रत्येक दिन सुबह में एक मुट्ठी चावल को अपने सिर में 7 बार घुमा करके आप कबूतर को अगर खिला देते हैं, तो आपका जो शरीर में जो भी नकारात्मक प्रभाव, रोग, बीमारी, आपका हर तरह का रुकावट, बाधा, ये सारी चीज सबको मुक्ति मिलने लग जाएगा। दूसरा बात, कबूतर को अगर आप दाना देने के बाद अगर आप पानी देते हैं, पानी अगर कबूतर को पिलाते हैं, तो समझ लीजिए आपकी मन में शिथिलता को पैदा करेगा, आपकी मन में शांति को पैदा करेगा, ये जो है ये चीज है। लेकिन अगर आपके घर में कबूतर का ज़्यादा बीट करना, ये भी अति शुभ माना गया है, क्योंकि कबूतर का अंदर में क्या है कि आपको देखने में अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी लगती है, लेकिन वो जो है आपके घर में जो है नकारात्मक जो एनर्जी है, निगेटिव जो एनर्जी है, उसको भी कबूतर जो है लेने का काम करता है, क्योंकि कबूतर जो है आपका बुध और बृहस्पति से जुड़ा हुआ पंछी है। बुध और बृहस्पति से जुड़ी हुई पंछी होने के कारण क्या है कि आपका एक तरफ जो राहु बुध जो है, तो बुध क्या करता है कि आपको प्रेम संदेश को, आपके आपस में भाईचारा को कायम रखने का काम करता है, और बृहस्पति जो है वो लक्ष्मी की प्रतीक है, इसीलिए जो है कि कबूतर को माता लक्ष्मी के रूप में माना गया है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा होगा? अगर लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ फिलहाल मैं आपसे विदा लेता हूँ। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय माँ तारा।